गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फ़ोन में फ्री फायर को माउस एंड कीबोर्ड के जरिए जो है गेम प्ले करेंगे। एंड उससे पहले दोस्तों, यहाँ पे फ्री फायर में माउस एंड कीबोर्ड के जरिए जो कैसे गेम प्ले करते हैं, यानी कि की मैपिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है पांडा माउस प्रो को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली पांडा माउस प्रो का जो है की मैपिंग के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये पता है कि पांडा माउस प्रो को कैसे एक्टिवेट करते हैं एंड कहाँ से डाउनलोड करते हैं, अगर नहीं पता तो यहाँ पे आई बटन में लिंक है, आप एक बार जाके इस वीडियो को देखिएगा। एंड दोस्तों, यहाँ पे चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम कैसे आप पांडा माउस प्रो के जरिए जो है की मैपिंग कर सकते हो, यानी कि कौन सा की दबाने से जो आपका गेम में क्या काम होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पे करना क्या है, पांडा माउस प्रो के थ्रू जो है फ्री फायर को ओपन करना है। एंड यहाँ पे दोस्तों, आपको क्या करना है, कस्टम सेटिंग में जाना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ऐसा कुछ जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पे ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है पांडा माउस का लोगो, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जो है जॉयस्टिक आ गया है, इसको आप छोटा करके कहीं पे भी मतलब बैठे दो, यानी कि डब्ल्यू दबाने से जो सामने बढ़ेगा, एस दबाने से पीछे आएगा। तो ये जो सारा काम आप माउस के जरिए यहाँ पे कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे हमने माउस के कर्सर को सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शिफ्ट को जो है हमने यहाँ पे भागने वाला बटन के यहाँ पे आके छोड़ दिया, यानी कि जैसे शिफ्ट दबाएंगे तो ये जो भागेगा। एंड टैब को हमने छोड़ दिया बैक ओपन करने के लिए। एंड ग्लूअल के लिए हमने यूज़ करते ई, तो सिंपली आपको ग्लूअल का जो बटन है यहाँ पे जो है माउस से आपको क्लिक करना है। एंड कीबोर्ड से आपको यहाँ पे जो है जो फोर दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी जो ये सिस्टम सेटिंग है, तो हमने यहाँ पे फोर के यहाँ पे जो हम ई दबाएंगे, यानी कि ई दबाने से जो है ग्लूअल आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप कौन सा की में क्या डबाना चाहते हो। ये जो है 1 2 3 यानी कि गन स्विच के लिए है। एंड सबसे ऊपर में दिख रहा है आर, तो आर दबाने से जो है रीलोड होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, पांडा माउस का जो यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे की में क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक नया जो की यहाँ पे ओपन हो गया। एंड सिंपली इसको आके कहीं पे भी बैठा दो, जैसे हमने यहाँ पे आर के उधर बैठा दिया, यानी कि रिलोड के ऊपर। एंड फिर से हमने कीबोर्ड से यहाँ पे जो है आर प्रेस कर दिया, यानी कि डबल आर दिख रहा है। तो जैसे हमारे हाथ में ग्लूअल आ जाएगा, एक बार आर प्रेस करने से ग्लूअल हाथ से निकल जाएगा एंड गन भी रिलोड हो जाएगा। एंड दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, यानी कि शूट माउस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने इसको एंटर कर दिया, यानी कि एंटर दबाने से जो है माउस नहीं दिखेगा, जो पूरा माउस इधर उधर करने से आपका कैरेक्टर मूवमेंट होगा, ये बात है इसका, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है यार। फिर से हमने यहाँ पे प्लस में क्लिक कर दिया एंड फिर से एक न्यू की लाया। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हमने ग्लू वॉल के ऊपर जाके छोड़ दिया एंड यहाँ पे हमने राइट क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है माउस टू, यानी कि माउस टू हमने और एक बार यूज़ करेंगे, जो कि बैठने वाला जो सी यहाँ पे दिख रहा है। तो फिर से हमने प्लस में गया एंड यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लाया एंड यहाँ पे जो बैठने वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे हमने छोड़ दिया एंड फिर से हमने राइट क्लिक कर दिया एंड ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो माउस टू दो जगह दिख रहा है, यानी कि राइट क्लिक करते ही ग्लूअल भी लेगा एंड बैठेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार ट्रेनिंग में जाके जो है दिखा देते हैं कैसे काम करता है। दोस्तों, यहाँ पे एक कीबोर्ड एंड माउस के जरिए गेम इतना फास्ट मूवमेंट होता है, और ये जो की मैपिंग है ना, ये की मैपिंग नॉर्मल सा एक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो है एक नॉर्मल एक सिंपल सा है, आप काम कर सकते हो। स्पेस दबाने से जैसे जाम करता है, शिफ्ट दबाने से रन करता है, और फायर बटन आपको लेफ्ट क्लिक करना है, ये जो सेटिंग है। एंड वन दबाने से आपका गन जो है हाथ में आ जाएगा, एंड थ्री दबाने से आपका खाली हाथ आ जाएगा, यानी कि मुक्का आ जाएगा। एंड माउस को इधर उधर करने से ये जो है आपका मूवमेंट स्क्रीन रोटेट होगा, ठीक है। ये सिंपल सा एक मतलब की मैपिंग है। अगर आप एक बार मतलब पांडा माउस प्रो के थ्रू यहाँ पे जो है गेम खेलोगे तो आपको की मैपिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, इसके बारे में मेरे को पहले से भी उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। जैसे हमने माउस एंड कीबोर्ड को यहाँ पे परचेस किया एंड एक OTG एंड एक USB हब को परचेस किया, एंड जैसे ही हम फ़ोन में, दोस्तों हमने एक दिन में सारा सेटअप कर लिया यार, हम कोई भी एक भी वीडियो नहीं देखा, सिर्फ एक वीडियो देखा था कि हाँ ये ऐसे ऐसे काम करते हैं। आप यहाँ पे जितना मतलब, ये बहुत ही एक आसान काम है, ठीक है, ये सिंपल सा काम है। यहाँ पे कोई भी मतलब उतना हेडेक लेने के कोई बात ही नहीं यार, आप अपना मुताबिक कोई भी की से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो हमने, मेरे को अच्छा लगा स्पेस दबाने से जो है जंपिंग करेगा, यानी कि जंप करेगा। एंड ई सिंगल ई दबाने से जो है ग्लूअल हाथ में आ जाएगा, और अगर आप इमरजेंसी में हो तो राइट क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि ग्लूअल हाथ में आएगा, फिर बैठेगा, फिर आपको लेफ्ट क्लिक करना है, यानी कि ग्लूअल जो है फायर होगा।
बस ये एक आसान सा काम है यार दोस्तों, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, किसी का भी मदद से आप आराम से कर सकते हो। और ये कौन सा फ़ोन में चलेगा, ये जो फ़ोन दिख रहा है ना, ये Realme C3 है। इसका जो रैम है 3GB रैम है, लेकिन यह पे कोई भी लैग इश्यूज नहीं आ रहा है, ना ही फ़ोन हीट हो रहा है, लेकिन यह पे एक प्रॉब्लम है, मूवमेंट बहुत फास्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कई दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड उसके बाद जाके जो है मूवमेंट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सेटिंग में मतलब जनरल एंड जो है मतलब मूवमेंट स्पीड को हमने एकदम जीरो कर लिया, फिर भी यहाँ पे मूवमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। मैं फायर करता हूँ एक जगह और जाते हैं और एक जगह में, ठीक है। और मेरा फ़ोन Redmi Note 7 Pro है, इसमें मतलब थोड़ा उतना ज़्यादा मतलब हो जाता है, मैनेज हो जाता है, लेकिन इस फ़ोन में Realme C3 में मतलब इतना ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आया है ना, क्या बताए यार। और यहाँ पे मेरा फ़ोन का कैमरा जो है बहुत ही बेकार है। और दोस्तों यार इस वीडियो में मैंने आपको जो बताना चाहता हूँ, ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे, और ये उतना मतलब हार्ड काम नहीं है, एक आसान सा तरीका है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर एक कमेंट करके बताइएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में बता सकते हो, नहीं तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और चैनल में नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्योंकि भाई को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना है, आपका भाई 40K सब्सक्राइबर्स का मतलब करीब है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। एंड यहाँ पे आप समझ सकते हो एक माउस एंड कीबोर्ड के जरिए आप कितना अच्छा गेम प्ले कर सकते हो एंड कैसे कर सकते हो, हमने मतलब जितना हो सके हमसे बहुत मतलब डिटेल वीडियो बनाया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं रुस्तम वाले मिलूंगा जो है ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में।